उपचुनाव के मतदान की तारीखें नजदीक हैं और दोनों ही दलों के नेता पूरे दमखम से प्रचार में जुटे हुए हैं। गुरुवार को मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा की चंदवासा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विशाल आम सभा को संबोधित किया। दोपहर 12 बजे के बाद दोनों नेता चंदवासा पहुंचे। स्थानीय नागरिकों की मांग पर शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया धर्मराजेश्वर पहुंचे और यहां के बाद सभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में सिंधिया कांग्रेस पर जमकर बरसे। वहीं उपचुनाव के इस रण में चौथी बार सुवासरा विधानसभा में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंदवासा की आम सभा में कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए 15 महीने की कांग्रेस सरकार की खामियां बताई और इधर आने वाली 3 नवंबर को भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। एक लड़ाई का संबंध है, आपका हमारा इस माटी का संबंध है, आपका हमारा एक खून का रिश्ता है मेरे भाई और बहनों। और सिंधिया परिवार ने जब भी लड़ाई लड़ी है तो सिंधिया परिवार ने कभी भी कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़ी, सिंधिया परिवार ने कभी भी लाल बत्ती की लड़ाई नहीं लड़ी, सिंधिया परिवार ने सत्य मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ी है। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार है, दिन और रात और सिंधिया जी को गालियां दे रहे हैं। अब उससे वो कहते हैं तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है और वो इसलिए कि मैं जनता को शीश झुका के प्रणाम करता हूं। अरे उद्योगपति कमलनाथ, लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, इसलिए शिवराज सिंह चौहान शीश झुका के हमेशा प्रणाम करता है और करता रहेगा। तुम दम्भ और अहंकार से भटको। फिर मुझे कहा कि ये नालायक है, नालायक। मैं आपको नालायक लगता हूं, बताओ। अरे बोलो नालायक मुद्दा। ये चुनाव का मुद्दा है कांग्रेस का। फिर कहने लगे वो तो नारियल लेके चलते हैं, आज क्या करें, नारियल का ट्रक लेके चलते हैं।